A straight wire current element is carrying current 100 ampere as shown in the figure. The magnitude of magnetic field at point P, which is at perpendicular distance root 3 minus 1 meter from the current element, if end A and end B of the element subtend angle 30 and 60 at point P as shown in the figure is. देखिए magnetic field निकालना है हमें P point पे. अगर P point पे हमें निकालना है, हमें इस वायर के लिए निकालना है, AB वायर के लिए, ठीक है? तो A जो है वो कितना 30 डिग्री सबटेंड करता है एंगल, और B कितना करता है 60 डिग्री करता है. तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ठीक है. तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, उसके बाद डी, डी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया है रूट 3 माइनस 1 ना, तो यहां पे लिखेंगे रूट 3 माइनस 1, और साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1, थीटा 1 हमारा कितना है, थीटा 1 हमारा है 60 डिग्री, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री, ओके. अब देखिए ये जो एंगल है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता था ना, यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद ये बन जाता है म्यू नॉट आई बार 4 पाई, यहाँ पे रूट 3 माइनस 1, उसके बाद साइन 60 यानी कि रूट 3 बाई 2 और साइन 30 यानी कि हाफ, ये हो गया, ठीक है. तो यहाँ से आगे आगे प्रोसीड करते हैं, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई रूट 3 माइनस 1, तो ये आगे अगर देखें तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाई 8 पाई, है ना, ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बिठाऊं, ठीक है, वैल्यू तो दिया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू यहाँ पे निकला है म्यू नॉट आई बाई 8 पाई, है ना, तो यहां से म्यू नॉट का अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो यहां हो जाता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू आई का वैल्यू कितना दिया गया है 100 दिया गया है, राइट, तो यहां पे 100 और उसके बाद 8 पाई, तो यहां पे 8 पाई, तो उसके बाद इससे काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इससे ये काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि जो आंसर है वो हो जाता है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, है ना, तो ये हमारा आंसर है, इतना टेस्ला हमारा आंसर निकलेगा. अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, ओके.